हाँ कोहली भाई, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, बोलो ना क्या बात है। ठोका, ठोका, ठोका। कुछ तो बोलो यार, क्यों इतने उदास हो? क्या बताऊँ, फाइनल की हार पर अभी तक दिल उदास है। हार और जीत खेल का हिस्सा है। बेशक हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फाइनल में जो शिकस्त हमने खाई है, शायद ही इसका गम हमारे दिलों से निकल सके। बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार, अब छोड़ो जाने भी दो। हमारे को अभी तक समझ नहीं आ रही है कि फाइनल में हमारे पास क्या कमी थी जिसकी वजह से हम हार गए। ठोका, ठोका, ठोका। हमारे पास क्या नहीं था सरफराज भाई, शिखर धवन जिसके तमाम शॉट्स बाउंड्री लाइन से बाहर ही रुकते हैं। क्यों हमारे फाखर जमान के शॉट्स बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहे थे? रोहित शर्मा जब खेलता है तो ऐसा लगता है कि इसका आउट होना नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल, हमारे अजहर अली की तरह। MS धोनी द मैन ऑफ क्राइसिस, जैसे हमारे मोहम्मद हफीज हैं। युवराज सिंह जो खुद तो आउट नहीं होता लेकिन हर गेंद को बाउंड्री लाइन से आउट जरूर करता है। क्यों हमारे बाबर आजम उससे कम है क्या? जडेजा के सामने से रन लेना ऐसा है जैसे शेर के मुँह से नवाला छीनना। हाँ बिल्कुल, लेकिन फाइनल में आपके शेर ने एक नवाला भी नहीं खाया। हमारे स्पिनर बॉलर अश्विन जो जादूगर से कम नहीं है, लेकिन फाइनल में हमारे शादाब जादूगरों के सरदार निकले। हमारे हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन फाइनल में हमारे इमाद वसीम और शुएब मलिक के सामने जीरो हो गए। हमारे बनेश्वर कुमार और बुमराह बेहतरीन सीमर, लेकिन फाइनल में मोहम्मद आमिर और जुनैद खान से अच्छी स्विंग ना कर सके। मैं खुद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर और फिर भी हम हार गए। बेशक कोहली तुम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो जिसे सारी दुनिया मानती है, लेकिन तुम और तुम्हारे लड़कों के पास एक चीज़ नहीं थी जो मेरे पास है। सरफराज भाई वो क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है और तुम्हारे पास है? मेरे सीने में मेरे प्यारे रब का कुरान पाक महफूज है जो आपके पास नहीं है। जगमगाता है दिल मेरा कुरान से, ये कलाम है खुदा जिसके सीने में है, उसके जीने में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरफराज भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول